सभी लोगों का अंबेडकरवादी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां आज बोलने का मौका दिया और भारतीय संविधान की रक्षा में महाधरना जो आप लोग ये कर रहे हैं उसका हिस्सा बनने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को बहुत ही प्यार भरा मेरा जय भीम। जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश में जो देश की जनता है उसे देश का मालिक बनाया और देश का राजा बनाया है एक वोट का अधिकार देके। इस एक वोट के अधिकार का मतलब यह है कि जमीन के नीचे से लेकर आसमान तक जितनी भी संपदाएं हैं जितने भी एसेट्स हैं उसका मालिक हमारे देश की जनता है। देश की जनता का हर एक नागरिक जो है वो इसका मालिक भी है और राजा भी। ये है भारत के संविधान की मूलभूत भावना और ये देश जो है इंसाफ न्याय जस्टिस और बराबरी के प्रिंसिपल्स पे चलेगा और इंसाफ और बराबरी के असूलों पे चलेगा तो इसमें भाईचारा दोस्ती आपस में सबकी होगी और बनी रहेगी। ये है हमारे संविधान का मोटा मोटा मतलब और किसी भी हमारे देश के मालिक को यानी कि जनता के व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने का अपनी जिंदगी अपनी तरह रहने का पूरा अधिकार है। यह है भारत का संविधान। अब इस संविधान के खिलाफ जाके इस संविधान का दुश्मन जो भी होगा वो अच्छा व्यक्ति नहीं होगा वो बुरा व्यक्ति ही होगा। भारत का संविधान ही भारत है। यदि संविधान है तो भारत है। तो आप लोगों को यह समझना चाहिए कि आप संविधान बचाने की जब बात कर रहे हो तो आप भारत बचाने की बात कर रहे हो। अब हमारे देश का जो निजाम चलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश की जनता को तो इसका मालिक बनाया है राजा बनाया है और इसमें चार प्रकार के नौकर बनाए हैं जिसमें प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर एमपी एमएलए ये सब लोग पहले तरह के नौकर हैं जिनको मालिक देश के यानी कि देश की जनता अपने नौकरों को 5 साल के लिए चुन के भेजती है। यह है भारत का संविधान। प्रधानमंत्री कहते हैं ना मैं सबसे बड़े जो पद पर है उन्हीं की बात करता हूं कहते हैं ना मैं प्रधान सेवक हूं यही बोलते हैं ना तो वो एक ही बात सच बोलते हैं जो कि यह है वो आपके मेरे जनता के नौकर ही हैं। दूसरी बात इसके अलावा जो सरकारी अधिकारी हैं जो पुलिस के अधिकारी खड़े हैं ये जो डीएम चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी भारत सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी ये सब भी जनता के नौकर हैं। ये आपको समझना चाहिए बात। उसके अलावा जो हमारी जुडिशरी है जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं हाई कोर्ट के जजेस हैं नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं ये भी पब्लिक सर्वेंट हैं जनता के नौकर हैं। इन्होंने जनता ने इनको नौकरी दी है इनको इज्जत दी है इसलिए दी है कि ये सरकार यानी कि जो हमारे पहले दो नौकर थे उनके बीच में और जनता के जनता जो है उनके बीच में कोई विरोध हो तो उसका संविधान के हिसाब से फैसला करें और ये एक सर्विस दें कि संविधान के हिसाब से कभी सरकार ठीक थी यानी कि पहले दो नौकर ठीक थे या जनता यानी कि मालिक ठीक थी या जनता के लोगों के बीच में ही मालिकों के बीच में ही अगर कोई विरोध हो तो उसका भी फैसला करें। ये ड्यूटी ये जिम्मेदारी ये नौकरी हमने देश की जनता ने दी है जजेस को। ये निजाम समझना आपका सबसे जरूरी है। उसी प्रकार से जो ईमानदार प्रेस है वो भी जनता की नौकर है हमारी जो कि देश के मालिक हैं जनता उसकी नौकर है। इनकी जिम्मेदारी इनकी नौकरी ये है
कि ये जासूसी करके कोई हमारे जो पहले तीन नौकर हैं वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, उसकी जासूसी करके हमें बताएं, प्रेस जो खबरें छापती है वो उसका जिम्मेदारी। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर कोई नौकर काम ठीक से नहीं करता तो उसको ठीक रखने की जिम्मेदारी मालिकों की होती है ना, तो देश और मालिकों का इंटरेस्ट, फायदा और चाव इसमें रहता है कि वो अपने नौकरों से ठीक काम कराएं। अगर नौकरों के ऊपर सही से कंट्रोल नहीं रखा जाएगा तो नौकर बेलगाम हो जाएंगे और वो मालिक की संपत्ति में चोरी भी करने लगते हैं, ऐसा बात सही है ना। तो इसीलिए 5 साल बाद अब चुनाव आते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट है, इसीलिए सीवीसी है, इसीलिए सीबीआई है कि कोई भी नौकर अगर चोरी करे तो उसको देश की जनता पकड़वाए और उससे संविधान के हिसाब से काम करवाए। ये हमारे देश का ये भी निजाम है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक और ताकत दी है देश की जनता को, वो है पीसफुल प्रोटेस्ट की। जो आप यहां बैठे हैं ना, ये आपका अधिकार ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। आज आप लोगों को यह लग रहा है कि संविधान खतरे में है, यानी कि संविधान खतरे में है तो देश खतरे में। मुझसे पहले वक्ता यहां बता रहे थे कि यहीं इसी जंतर मंतर पे संविधान जलाया गया था। ये कुछ देशद्रोहियों ने, कुछ आतंकवादियों ने, सबसे बड़ा आतंकवादी वो है जो देश के संविधान की इज्जत नहीं करता, ये बात भी आप समझ लीजिए। तो कुछ आतंकवादियों ने देश का संविधान यहां जलाया था, मैं उनकी छोटी गलती मानता हूं। बड़ी गलती वो आपके और हमारे देश के की जनता के नौकर जो थे, पुलिस वाले, यहां पे जो डीसीपी साहब थे, जो एसएचओ साहब थे यहां पे, मैं उनकी गलती मानता हूं कि उन्होंने उनको संविधान जलाने दिया यहां। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उनकी गलती बड़ी है कि उन्होंने उन्हें संविधान जलाने से उन्हीं के सामने रोका नहीं। दूसरी बात यह कि उस केस के बारे में मुझे जानकारी है, उसमें जो मुल्जिम हैं, क्योंकि वो मनोवादी मानसिकता आरएसएस से टच के लोग हैं, उनको बचाने के लिए यही पुलिस के अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर उस केस का संज्ञान हम लोग ले चुके हैं, तो उसको सजा दिलाने का काम हम करेंगे, इसकी मैं आपसे जिम्मेदारी भी लेता हूं। मेरे संज्ञान में वो केस लाया गया भी कुछ दिन पहले, वो पटियाला हाउस में वो केस चल रहा है। तो उसमें पुलिस की गलती ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने एक तो कार्रवाई नहीं की उस केस में, इसकी तह तक नहीं गए कि इन लोगों की ये हिम्मत कैसे हुई कि भारत का संविधान जला सके। दूसरा, इस देश में सबसे बड़ा संविधान की धारा 2 है ना, जो देश का जो जमीन है उसको बताती है। तो ये जो हमारे आज की सरकार है, जो देश की जनता की नौकर है, ये सबसे बड़ी गलती अगर कोई कर रही है, समझ लीजिए इस बात को भी, जो सबसे बड़ी गलती है ना, हमारे देश की 1000 किलोमीटर जगह छीन चुका है, खा चुका है। और ये सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जो कि हमारे नौकर हैं, देश की जनता के नौकर हैं, वो उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि देश की जो सेना है, अभी एक सेना के बहुत बड़े अधिकारी ने, जनरल ने बोला था ना कि अगर हम लोग तैयार है पीओके वापस लेने के लिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लेने के लिए हमारे देश की सेना एकदम तैयार है और सरकार के इशारे का इंतजार कर रही है। ये बात सही है ना, आप सब लोगों ने देखी होगी। यही बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि हमारे देश की सेना जो है सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है, और वो चाइना से भी और पाकिस्तान से भी, जो उन्होंने हमारे देश के साथ धोखाधड़ी करके जमीन छीन रखी है, वो वापस लेने में सक्षम है। ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। गलती किसकी है, सेना तैयार है, वो कह रहे हैं हम एकदम तैयार करें, सरकार हमें इशारा करे, हम ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, पाक अधिकृत कश्मीर जो है, उसको वापस ले लेंगे। तो गलती किसकी हुई, सरकार की, जो सेना को इस बात की इजाजत नहीं दे रही कि भारत की धरती वो वापस ले सके। ये सबसे बड़ा गुनाह हमारे देश की सरकार आज की कर रही है। सेना की पीड़ा सेना ने बता दी कि हम लोग तड़प रहे हैं अपनी धरती वापस लेने के लिए। यही तड़प सेना में चीन से भी अपनी धरती लेने की है, मगर सरकार जो है
वो अपनी अलग अलग वजहों से जो देशभक्ति नहीं हो सकती, देशभक्ति होने की वजह नहीं हो सकती, ये देश से गद्दारी करने की वजह जो है इस सरकार की, जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार है उसकी वजह से चाइना से अपनी धरती वापस नहीं लेना चाहते, पीओके से अपनी धरती वापस नहीं लेना चाह रहे। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये भी आप लोगों को समझने की बात। मनु अभी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन है कुछ, जो चाइना और पाकिस्तान के साथ बिजनेस कर रहा है। चाइना के साथ तो हमारा ट्रेड डेफिसिट ना, जो हम व्यापार करते हैं, अगर 100 रुपए का व्यापार होता है तो 80 रुपए चाइना को फायदा होता है, 20 पैसे भारत को फायदा होता है। तो ये कौन कर रहा है नुकसान देश का, ये मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन है, जो चाइना की जो कंपनीज है, वहां की सेना की कंपनियां हैं, वहां की सरकार की कंपनियां जो है उसमें बिजनेस कर रहे हैं उनसे और देश का नुकसान कर रहे हैं। यही वो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन है जो हमारी देश की सेना जो तैयार खड़ी है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी लेने के लिए और चाइना से भी अपनी धरती वापस लेने के लिए 1000 किलोमीटर, उनके उनकी जो हमारी सरकार की पॉलिसी है उसको कमजोरी करा रहे हैं, उसको कमजोर बना रहे हैं और सरकार को यह फैसला नहीं लेने दे रहे। इसके अलावा जो प्राइवेटाइजेशन है, आप लोगों ने सबने बोला, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं पूरे देश को, जो एक तरीके से जो बेईमानी करके बैंकों से लोन लेके 25 लाख करोड़ से ज्यादा लोन लेके देश से लोग भाग चुके हैं, ये सब चीजें जो हैं उनको कौन नजरअंदाज कर रहा है, ये सरकार की यानी कि हमारी जो चुनी हुई सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। हमारे नौकर जो ठीक काम नहीं कर रहे उनको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है। वो जिम्मेदारी सबसे अच्छी तरीके से तो तब निभ सकती है जब इस देश की जो 90% जनता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और जो मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध है, महिलाएं हैं, वो 90% देश है हमारा। तो 90% मालिक जो है जब अपनी आवाज से अपनी असली सरकार बनाएंगे तब जो बाबा साहब का जो सपना था सबको न्याय का, सबको बराबरी का और सबके बीच में भाईचारे का, वो तब पूरा होगा। लेकिन अभी क्या है, 10% लोग भी नहीं है, वो 90% देश की हरेक जो संपदा है उस पर कब्जा करके बैठे, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, दूसरे बिजनेस हो, कोई भी हो, उसमें 10% लोग। एक तरह से देखा जाए तो एक एग्जाम्पल है, अगर देश के पास 100 रोटियां हैं तो 10% लोग 90 रोटियों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनको खाया भी नहीं जाएगा, वो सिर्फ जमा करके बैठे हैं, और 90% लोग सिर्फ 10% 10 रोटियों में काम चला रहे हैं। ये है हमारे देश में जो अभी ज्यादती हो रही है उसकी जिम्मेदारी 90% जो हम लोग हैं मालिक देश के उनकी है। फाइनल आखिरी सोल्यूशन तो होगा जब हम लोगों की अपनी आवाज की सरकारें बनेंगी, जब हम अपनी सरकारें बनाएंगे तो पूरे 100% लोगों के लिए न्याय करेंगे, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग क्योंकि पीड़ित होते हैं, वंचित होते हैं, तो वो सबके साथ न्याय करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आज जब तक वो नहीं होता तब तक जो सबसे बड़ा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान ने जो हमें दिया है वो ये दिया है कि हम देश में इंसाफ और बराबरी कायम करने के लिए, अगर देश की नौकर सरकारें जो हैं वो कायम करने के लिए कोई गलती करती हैं तो इस तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट किए जाएं, बड़े से बड़े प्रोटेस्ट किए जाएं, ताकि सरकार जो हमारी नौकर है देश की जनता की वो सही काम करे, बेईमानी और चोरी नहीं कर सके, कुछ अपने मुट्ठी भर दोस्तों की खातिर या कुछ मुट्ठी भर चोरों की खातिर। इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई भी देता हूं और यह गुजारिश भी करता हूं कि आप सभी लोग बड़े से बड़े धरने प्रदर्शन करें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां जिसकी ताकत है वो उस डिस्ट्रिक्ट का काम संभाले। पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो हर जगह चालू रहने चाहिए, जारी रहने चाहिए, ये काम सबसे जरूरी है। हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए और सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम से जो काम आप कर रहे हैं ना उसी को करने के लिए एक संस्था बनाई है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप नेट पे भी ढूंढेंगे तो www.missionsavekonstitution.com के नाम से आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी। हम लोगों का काम सिर्फ इतना है कि अगर हमारे नौकर, चारों प्रकार के किसी भी नौकर ने कोई गलती की है तो मौके पे पहुंच के
हम अपने लोगों की मदद कर सके। कानून अदालत की मदद तो बाद में आती है जब सरकार, सरकारी अधिकारी, पॉलिटिकल लोग या कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग आपके साथ कुछ गलती कर दें। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की टीम हो। कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्मल मेंबरशिप हो, जहां भी, जिस गांव में भी, जिस शहर में भी, जिस कस्बे में भी, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी मजबूत लोग हो, वकीलों की टीम चाहिए और सोशल मीडिया के जो हमारे एक्टिविस्ट हैं जो चलाते हैं सोशल मीडिया के चैनल्स, न्यूज चैनल्स, उनकी टीम बने तो हम लोग उसको मदद करें और न्याय दिलवाने में, ताकि कोई भी देश का कार्य जो हो वो संविधान के हिसाब से हो, कानून के हिसाब से हो, अपनी मन मर्जी से, डंडे से या चोरी से कोई भी पुलिस का अधिकारी, सरकारी अधिकारी, कोई भी सरकार, एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तक कोई भी गलत काम संविधान से बाहर जाके ना कर सके। यही काम हम कर रहे हैं, तो इसमें सहयोग की भी आपसे गुजारिश करते हैं, और हमारे सहयोग की किसी को भी आवश्यकता है तो हमें बुला सकता है, हम लोग चल के आपके पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अभिवादन हम करेंगे। बोलो कौन से बोलो, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जोर से बोलो, प्यार से बोलो, जय भीम, मिल के बोलो, कुल के बोलो, जय भीम, जय भीम, प्यार से बोलो, दिल से बोलो, जय भीम, जय भीम। ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ నొక్కడం మర్చిపోకండి।